नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों ने फूलगोभी की चार नई किस्में पूसा मेघना, पूसा अश्विनी, पूसा कार्तिक और पूसा कार्तिक संकर विकसित की है, जिसकी बुवाई जून जुलाई के महीने में की जाती है, जिससे किसान काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी के बीच अब केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर खाद्य तेलों की कीमतों में कटौती की जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार ये बदलाव 30 जून से लागू होकर 30 सितंबर तक जारी रहेंगे। मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ने लीची की तीन नई किस्में विकसित की हैं, जिसके बारे में कृषि जागरण को राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर शेषधर पांडे ने अहम जानकारी दी। सिलेबस का मतलब जैसे गंडकी संपदा है, ये थोड़ा लेट वैरायटी है, देर से पकने वाली वैरायटी है और फल का आकार बहुत अच्छा होता है। जैसे नॉर्मल शाही का फल है वो 22-23 ग्राम नॉर्मल कंडीशन में आता है, इसके तो फल 27-28-29 ग्राम तक होते हैं। तो एक तो वो है बीज की साइज छोटी होती है, गूदा का परसेंटेज अच्छा होता है। तो ये क्या है कि और हमारे पास लिमिटेड दो ही वैरायटी है कमर्शियल में, शाही और चाइना। तो ये हमको जो है मार्केट टोटल हमारा 10 से 12 दिन का होता है। वैरायटी थोड़ा लेट वैरायटी जो शामिल होंगे जो मार्केट में हम 15-20 दिन महीने भर बने रह सकते हैं, ये सब एडवांटेज इस वैरायटी का है। अब दूसरी वैरायटी है जैसे गंडकी योग्यता है, ये जो है जैसे शाही वैरायटी हमारी उसमें थोड़ा फल फटने की समस्या ज्यादा होती है। अगर मौसम थोड़ा बेरुखी मौसम की है तो फल फटने की समस्या बढ़ जाए। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है 40-41 डिग्री टेम्परेचर होता है तो उसकी फल फटने की समस्या, फल की जलन जो है वो सन स्कॉर्चिंग होने की समस्या, ये वैरायटी जैसे गंडकी योग्यता है ये उसके पर थोड़ा टॉलरेंट है। सेब और राजमा के बाद अब उत्तराखंड की हर्षिल घाटी में कश्मीर के केसर की खुशबू महकेगी। उद्यान विभाग के घाटी के 5 गांवों में केसर की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल पिछले साल हर्षिल घाटी में कुछ काश्तकारों को ट्रायल के लिए केसर के बीज दिए गए थे, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय खुलने के बाद वैक्सीन लगवाने वाले छात्रों को ही कक्षाओं और छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा। छात्रों को वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि यह निर्णय अकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया है। कृषि जागरण का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि देश के किसान समृद्ध और सशक्त बने, इसीलिए फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम 1 जुलाई को कृषि जागरण के स्टेट वाइज फेसबुक पेजेस पर लाइव होगा। कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों की बातें, समस्याएं, समाधान और सफलताओं को पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन्हीं में से एक है फार्मर वेबिनार प्रोग्राम, जो इस सप्ताह कृषि जागरण के फेसबुक स्टेट पेजेस पर लाइव किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के किसान कौशल प्रसाद प्रजापति ने अपने ब्रांड से जुड़ी जानकारी शेयर की। सर, मेरी शुरुआती ठीक अच्छा था, थोड़े से जमीन में किया था मैं शुरुआत में जी। किसी के मार्गदर्शन में, एक हरियाणा वाले किसान थे, उन्होंने बताया कि आप ड्रिप और मल्चिंग से खेती करो जी। और विभाग भी सहयोग किया, मेरे को ड्रिप दिलाया, मल्चिंग दिलाया और कोनोमीटर दिलाया जी। फिर वहीं से स्टार्ट किया था, थोड़े से जमीन पे किया था मैंने। इसी के साथ कल भी कई प्रगतिशील किसान फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम में लाइव आएंगे। मानसून के लंबे इंतजार के बीच दिल्ली में गर्मी एक बार फिर से दम ढाने लगी है। ऐसे में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कुछ दिनों तक लू चलती रहेगी। इसके साथ मौसम विभाग द्वारा उत्तर पूर्वी राज्य, असम और मेघालय में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।